हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टेटिस्टिक्स का लेके आए। तो क्या करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सारा स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में ही है। उसके बाद एक वेरिएंस, बिल्कुल रिलेटेड होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस के साथ ही रिलेटेड होता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, उसके सारे फॉर्मूलेज मैंने लिखे हुए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने इसको याद रखना है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का बेसिक जो डेफिनेशन है वो होता है क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, इससे पता लग जाएगा ये बेसिक डेफिनेशन से ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ किसका स्क्वायर रूट है, मीन ऑफ द डेविएशन का स्क्वायर। क्या बोला मैंने, डेविएशन के स्क्वायर का मीन, है ना, डेविएशन के स्क्वायर का मीन, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट होता है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, स्क्वेयर्स के डेविएशन के स्क्वायर का मीन, ठीक है ना, ये देखिए क्या है, डेविएशन ही तो है, एक्स आई माइनस एक्स बार, ये डेविएशन है, डेविएशन फ्रॉम द मीन, उसका स्क्वायर और उसका सम किया, उसका सम करने के बाद डिवाइड किया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो मीन हो गया। ये होता है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो मीन होता है। तो यहां मीन किसका है, डेविएशन के स्क्वायर का मीन निकालना है। तो बेसिक डेफिनेशन ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ डेविएशन मीन, ओके, ठीक है। तो ये मीन है किसका, मीन का स्क्वायर रूट है किसका, डेविएशन के स्क्वायर का, ठीक है, उसका मीन निकालिए, उसका स्क्वायर रूट निकालिए, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज में आपको एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन दिया होगा, तो एक्स आई माइनस एक्स बार निकालने आता है। इंडिविजुअल सीरीज में हम एक्स बार कैसे निकालते हैं, ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, तो एक्स बार हम कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये सारा हमने पिछले लेक्चर में किया हुआ है। तो आप एक्स बार निकाल लीजिएगा इंडिविजुअल सीरीज के लिए, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, है ना, उसका स्क्वायर करेंगे, एक टेबल बनेगा, उसका सम करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, उसका स्क्वायर रूट ले लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो वही है, सेम चीज है, क्या जाएगा, यहाँ पे एफ आई आ जाएगा, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, यानी समेशन ऑफ एफ लिख सकते हैं, या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, हमने मीन निकालने के लिए ये भी डिस्कस किया था, शॉर्टकट मेथड भी डिस्कस किया था, है ना, एज्यूम्ड मीन मान के हम करते हैं, तो हमने शॉर्टकट मेथड भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्या करेंगे, आप कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ यू आई का होल स्क्वायर, है ना, यू आई का स्क्वायर का, ठीक है, समेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस समेशन ऑफ यू आई अपॉन एन, ठीक है, ये ध्यान रखना, समेशन ऑफ यू आई अपॉन एन और उसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये पहले निकालने के बाद इन टू एच, और एच ये बाहर है स्क्वायर रूट के अंदर नहीं, ध्यान रखना है, और एच क्या होता है, क्लास साइज होता है, यू आई क्या होता है, यू आई, ठीक है। तो अगर शॉर्टकट मेथड अगर आपको ध्यान हो मीन निकालने का, तो यू आई क्या होता था, एक्स आई माइनस ए ओवर एच, यही होता था ऑब्जर्वेशन, एक्स आई, ए क्या होता था एज्यूम्ड मीन, है ना, ये होता था एज्यूम्ड मीन, और एच क्या होता है क्लास की साइज, ठीक है, ये सारा हमने शॉर्टकट मेथड से मीन निकाला था, उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, ये तो यू आई है, और वैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो आपको पता ही है कि यू आई के साथ में फिर एफ आई भी आ जाएगा, तो एफ आई इंटू यू आई का स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस यहां भी एफ आई आ जाएगा, तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन एन इसका होल स्क्वायर, अगेन ये एच स्क्वायर रूट के बाहर है, ध्यान रखना है, क्लास की साइज है। ठीक है, तो उसके बाद बात आती है कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशियंट निकालना है, कैसे निकालते हैं, कोफिशियंट स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय इट्स मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और मीन भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड कर देंगे तो कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, कोफिशियंट ऑफ वेरियंस, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ वेरियंस क्या है, वो इसी को तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, कोफिशियंट ऑफ वेरियंस आ जाएगा, क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कीजिए उसके मीन से और उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, परसेंटेज आएगा, कोफिशियंट ऑफ वेरियंस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन से ही रिलेटेड है एक और टर्म, वेरियंस। ठीक है, तो वेरियंस क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आप निकालेंगे उसका स्क्वायर होता है बेसिकली। ठीक है, एक मैं आइडिया दे देता हूं यहां पे, ठीक है, कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, अब आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, मैं वेरिएंस की बात कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो अगर यहां पे अगर मुझे इसी डेटा की वेरियंस निकालनी होगी तो वेरियंस बराबर हम इसको लिख लेंगे कि ये वेरियंस है। ठीक है, और वेरियंस क्या है, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो वेरियंस का फॉर्मूला यही बन गया। ठीक है ना, वेरियंस का फॉर्मूला यही बन गया,
समझ आ गई बात है? ठीक है, तो वेरियंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट ही होता है। ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन का आप स्क्वायर निकाल लीजिए, वेरियंस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ही फाइंड करना है, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं मैं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सीवी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, सीवी का मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग डेटा, फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, डेटा आपको इंडिविजुअल सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, डेटा क्या दिया हुआ आपको? दिया हुआ डेटा 4, 6, 10, 12 और 18, ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम कैसे निकालते हैं, अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, आप टेबल बना लीजिए इसको xi। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं ये xi है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। xi क्या आ गया? 4, 6, 10, 12, 18। ठीक है, हमारा टारगेट ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकले, स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो वेरिएंस आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा टारगेट पहला क्या है? पहला टारगेट है एक्स बार निकालना। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? पहले भी डिस्कस किया था, एक्स बार फॉर्मूला क्या होता है? जब इंडिविजुअल सीरीज दिया होगा तो समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कितने हैं? तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 5 आ गया। अब मुझे इसके सम की भी जरूरत पड़ेगी है ना, समेशन ऑफ एक्स आई की जरूरत पड़ेगी, समेशन ऑफ एक्स इसका सम कर लीजिए, 50 आ जाएगा है ना, तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, इसका सम कर लेंगे, ये 50 आ जाएगा, तो एक्स बार कितना आ गया यानी कि मीन कितना आ गया? 50 अपॉन 5 या 10। ठीक है, ये तो मीन आ गया, हमारा टारगेट है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है वो पता होना चाहिए हमारे। ठीक है, अब इस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और इसका स्क्वायर रूट, यही है ना। तो मुझे अब एक्स आई माइनस एक्स बार भी निकालना पड़ेगा है ना, एक्स आई माइनस एक्स बार और उसका स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब 4 माइनस 10 कितना जाएगा? -6, 6 माइनस 10 माइनस 4, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2, 18 माइनस 10 8। ठीक है, और इसी में एक्स आई माइनस अब एक्स बार का होल स्क्वायर करना है तो कर दो इसका स्क्वायर, ये कितना जाएगा? 36, 16, 0, 4, 64। इसके सम की भी जरूरत पड़ेगी तो इसका सम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका सम कर लेंगे, सम आ जाएगा इसका 120। ठीक है, तो इसका सम आ जाएगा 120 और ये क्या है? ये है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा सीधा ही। तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, इसके सम का, इसका सम 120, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हैं? टोटल 5। ठीक है, यहां भी 50 आना, ठीक है, तो ये 5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ गया ये? तो स्क्वायर रूट ऑफ 24, 24 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा तो ये 4.8। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा 4.899। ठीक है, तो ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय इट्स मीन, है ना। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन डेटा का और उसका मीन, इन दोनों को डिवाइड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया हुआ? 4.899। मीन कितना आया हुआ है? 10। डिवाइड कर लेंगे कितना आ गया? ये 48.99%। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इसका है 48.99%। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस
कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस फॉर दी फॉलोइंग डेटा, ठीक है, डेटा दिया हुआ है आपको, कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस निकालना है, ठीक है, एक्स आई दिया हुआ है आपको और एफ आई दिया हुआ, मैं लिख देता हूं, एक्स आई दिया हुआ 5, 50, 25, 35, 45, 55 और एफ आई दिया हुआ 12, 18, 27, 20, 76, ठीक है। तो हमें कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस निकालना है। कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस निकालने के लिए देखिए, कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस का फॉर्मूला ध्यान कीजिए पहले क्या होता है। कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय इट्स मीन इनटू 100। तो हमारा टारगेट तो यही है कि मीन निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि मीन निकालने से ही स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकाल सकते हैं। बात आ गई स्टैंडर्ड डेविएशन की, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड वाले केस के लिए क्या था कि समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर समेशन ऑफ एफ आई लिख लीजिए, एक ही बात है ना, समेशन ऑफ एफ आई लिखिए या नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का और इंटू एच बार, ठीक है। तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, सॉरी एच नहीं होता है, हाँ ठीक है, ये ध्यान रखना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए भी हमें मीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला लिख के तो यही देख लिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी मीन की जरूरत पड़ेगी। तो टारगेट हमारा अभी है कि मीन निकालना, मीन निकालने के लिए मुझे एफ आई इंटू एक्स आई की भी जरूरत पड़ेगी। एफ आई इंटू एक्स आई को मल्टीप्लाई कर लेना है, कर लीजिए मल्टीप्लाई, क्या क्या आ जाएगा मैं लिख देता हूँ, 60, 270, 675, 700, 765, 33G, ठीक है। समेशन ऑफ एफ आई, ये समेशन ऑफ एफ आई ही है, ठीक है, इसका सम कर लीजिए, सम आ जाएगा इसका 100, ठीक है। ये क्या है, ये समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, इसका सम आ जाएगा 2800, ठीक है। ये क्या है, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, हमारा फर्स्ट टारगेट है मीन निकालना। तो मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई कितना दिया हुआ है, 2800, ठीक है, 2800 और समेशन ऑफ एफ आई कितना है 100, ठीक है। तो 100 ये कैंसिल आउट हो गया, मीन कितना आ गया 28, ठीक है। देखो फॉर्मूला लिखा हुआ साथ में, हमें निकालना क्या क्या है, मीन निकल गया। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको एक्स आई माइनस एक्स बार की भी जरूरत पड़ेगी, तो एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार है ना, 5 - 28 - 23 मैं सारा लिख देता हूं, ठीक है। तो -23 - 30 - 3 - 7 - 17 - 27, इससे स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी, साथ में स्क्वायर भी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लो, -23 का स्क्वायर 529, ठीक है, ये 169, 949, 289 और 729, ठीक है। अभी भी एफ आई भी इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, निकाल लेते। एफ आई मल्टीप्लाई होगा यानी 12 मल्टीप्लाई होगा इससे, 12 × 529, फिर 18 × 169, फिर 27 × 9, मल्टीप्लाई करके आपने लिख लेना, मैं लिख देता हूं ये क्या क्या आएगा, 6348, ठीक है, ये आ जाएगा 3042, ध्यान रहे, ठीक है। क्या कर रहे हैं अब, 18 को मल्टीप्लाई किया 169 से तो ये आया, ठीक है, 27 को आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 243, वैसे ही आगे मल्टीप्लाई कीजिएगा 980, 4913, 4374, और इसके समेशन की भी जरूरत पड़ेगी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो इसका सम निकाल लेते हैं, इसका सम आ जाएगा 1990, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है, टारगेट तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, तो पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है आपको, ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यही टेबल का समेशन चाहिए, तो ये समेशन कितना है हमारे पास 1990 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई कितना है 100, टोटल सम इसका कितना है ये 100, कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा ये अंडर रूट ऑफ 199 का अंडर रूट निकाल लीजिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 14.11, ठीक है, ये 14.11 आ जाएगा। तो ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, हमारा टारगेट था कोएफिशिएंट ऑफ वेरियंस निकालना, उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन 14.11 डिवाइड बाय मीन, मीन कितना है, मीन है 28, ठीक है, तो मीन है 28 × 100, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, परसेंटेज आ गया कितना, इसका परसेंटेज आ गया 50.39%।
ठीक है, तो ये आ गया कोफिशियंट ऑफ वेरियंस इस डेटा का। ठीक है, नेक्स्ट डेटा का निकालते हैं। कोफिशियंट ऑफ वेरियंस ही निकालना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। अब क्लास इंटरवल्स के टाइम में डेटा दिया हुआ, फॉर द फॉलोइंग डाटा, डेटा दिया हुआ आपको, क्लास दिया हुआ, नंबर ऑफ आइटम्स दिया हुआ, नंबर ऑफ आइटम्स ऑब्वियस है कि ये फाइव है। ठीक है, क्लासेस आपको दी हुई है 0 टू 5, 5 टू 10, 10 टू 50, 15 टू 20, 20 टू 25, 25 टू 30, 30 टू 35, 35 टू 40 और 40 टू 45, 40 टू 45 ये डेटा दिया हुआ है आपको। नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि एफआई दिया हुआ है आपको 20, 24, 32, 28, 20, 16, 34, 10 और 16, ये आपको डेटा दिया हुआ है और आपको कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस निकालना है। ठीक है, कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस निकालना है। देखिए डेटा काफी लेंथी है तो हम इसमें अब शॉर्टकट टेक्निक का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे हम, शॉर्टकट टेक्निक का यूज करेंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट टेक्निक क्या कहता है, देखिए पहले तो हमें एक्सआई निकालना पड़ेगा, है ना, पहले हमें एक्सआई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सआई निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा एक्सआई, इन दोनों का सम डिवाइड बाई टू, जीरो और फाइव को सम कीजिएगा, फाइव डिवाइड करिएगा टू से, तो 2.5। ठीक है, तो ये 2.5 कितने का गैप है इसमें, 5.5 का गैप है, तो 5.5 ऐड करके चलिए। ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, 5.5 ऐड करके, फिर 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5। ठीक है, 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, ठीक है, इसके 27.5, ठीक है, फिर 5 ऐड करेंगे 32.5, फिर 37.5, फिर लास्ट में 42.5 आ जाएगा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इनका क्लास मार्क्स क्या है, क्लास मार्क्स हमारा टारगेट ये है कि मीन निकालना, और मीन निकालेंगे हम यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से। तो पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम्ड मीन, मतलब पहले हम यूआई निकालेंगे। यूआई निकालने के लिए क्या बताया था, एक्सआई माइनस एज्यूम्ड मीन अपॉन एच होता है एज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन मैंने इसमें लिख दिया हुआ 22.5 को, इसको हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, आप लिखेंगे भी इसको, लेट अस एज्यूम, लेट एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन, ठीक है, उसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ये 22.5 एज्यूम्ड मीन है 22.5। इसके बाद जब टेबल बनेगा, टेबल किसका बनेगा, यू आई, यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए ओवर एच। ठीक है, मैं एक दो करके बता देता हूं, वैसे हमने पिछले लेक्चर्स में काफी सारे लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है कि यू आई कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यू आई जो हमें निकालना है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यू आई क्या आएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यू आई आएगा एक्स आई, एक्स आई कितना है 2.5 माइनस एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन कितना है 22.5 और डिवाइडेड बाई एच, एच कितना है 5, है ना, क्लास की साइज कितनी है सबकी 5, इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ गया, कितना आ गया 2.5 माइनस 22.5 कितना आ जाएगा 20 और 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 4। ठीक है, तो यह आ जाएगा माइनस 4। आगे बात समझ में कि आपको यू आई कैसे निकालना है। ठीक है, तो सिमिलरली ये आ गया माइनस 4, वैसे इसका निकालिएगा तो ये माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस 2 आएगा। ठीक है, ये माइनस 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। ठीक है, यू आई आ जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है आपने, एफ आई इंटू यू आई, फॉर्मूला भी आपको याद रखना है ना। तो उसके बाद हम निकालेंगे एफ आई इंटू यू आई, एफ आई, एफ आई इंटू यू आई। ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस 80 एफ आई इंटू यू आई। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करके सारा लिख लीजिए, कितना आ जाएगा माइनस 80, माइनस 72, माइनस 64, माइनस 28 और ये 0, उसके बाद 16, 68, 30 और 64। ठीक है, इसके समेशन की भी जरूरत पड़ेगी, ये 2 इसका है, ये 30 इसका है। ठीक है,
और 64 ये लास्ट वाले का, इसके समेशन की भी जरूरत पड़ेगी, समेशन ऑफ ठीक है एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई इसका सम कर लेना -66 आ जाएगा ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है यू आई का स्क्वायर। शुरू में जो हमने फॉर्मूला लिखा है आप उस फॉर्मूले में देख सकते हैं कि हम शॉर्टकट टेक्निक यूज कर रहे हैं ठीक है, तो उससे कैसे निकल रहा है। अच्छा शॉर्टकट टेक्निक कोई जरूरी नहीं है, जब तक नहीं लिखा है तो आप शॉर्टकट यूज करें, आप दूसरे मेथड भी यूज कर सकते हैं लेकिन शॉर्टकट से ज्यादा आसान रहेगा ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा कम पड़ेगा। यू आई का स्क्वायर कर देते हैं कितना आ जाएगा, 60 -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का फिर से 1 स्क्वायर कर रहे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 60 ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है एफ आई इंटू यू आई का स्क्वायर, तो एफ आई 0 इंटू यू आई का स्क्वायर इसीलिए हमने निकालना है ठीक है। एफ आई इंटू यू आई स्क्वायर, एफ आई इंटू यू आई स्क्वायर, एफ आई इंटू यू आई स्क्वायर कॉरेस्पॉन्डिंगली आप मल्टीप्लाई करते चलिएगा, मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं ये कितना आ जाएगा 320, 216, नेक्स्ट आएगा 128, उससे नेक्स्ट आएगा 28, नेक्स्ट आएगा 0, फिर उससे नेक्स्ट आएगा 16, फिर उससे नेक्स्ट आएगा 136, उससे नेक्स्ट आएगा 90 और उससे नेक्स्ट आएगा 256 ठीक है। इसके भी समेशन की जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले में, तो इसका समेशन आ जाएगा 1190। ये किसका समेशन है, ये है समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई का फुल स्क्वायर ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन हमने निकाल लिया, एज्यूम्ड मीन भी वगैरह हमने निकाल लिया ठीक है, आई थिंक आप सब लोगों ने नोट कर लिया हो ठीक है। अब तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो मैं यहां ग्राफ कर देता हूं ठीक है। एज्यूम्ड मीन हमें पता है 22.5 लिया हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे, हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एक्स बार है ना, मीन निकालेंगे। मीन निकालने का फॉर्मूला शॉर्टकट टेक्निक से क्या था, एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच ठीक है। एज्यूम्ड मीन कितना था 22.5 प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई ये निकाला हुआ है हमने -66 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, एफ आई का सम करके समेशन ऑफ एफ आई कितना बना हुआ था ठीक है, तो हमने समेशन ऑफ एफ आई 200 ठीक है, एफ आई का जो हमने कॉलम बनाया था आप उसको सम कर लीजिएगा, समेशन ऑफ एफ आई आ गया 200। हाइट कितनी थी 5, क्लास की साइज कितनी थी 0 to 5 था, 5 to 10, 10 to 15 साइज कितनी थी 5 ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ये फाइनली आपका आंसर बन गया, मीन आ गया 20.85 ठीक है, ये आ गया मीन है ना। अब हमने ये सारी चीजें यू आई का स्क्वायर, एफ आई यू आई का होल स्क्वायर, ये सारी चीजें किस लिए निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्टकट टेक्निक वाला क्या फॉर्मूला था ठीक है, क्या फॉर्मूला था वो, समेशन ऑफ एफ आई यू आई का स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इसका होल स्क्वायर इंटू एच बार है ना, इंटू प्लस है ये बार, यही था फॉर्मूला है ना। शॉर्टकट टेक्निक में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यही था, अब ध्यान रखेंगे ठीक है। तो क्या है देखिए, समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई का स्क्वायर कितना निकला हुआ है, इसका सम 1190। समेशन ऑफ एफ आई अभी हमने निकाला था 200 माइनस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई कितना है -66, -66 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई 200 इसका होल स्क्वायर। हाइट कितनी है, क्लास साइज कितनी है इसमें 5, कर लीजिएगा सिंप्लीफाई इसको ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा ठीक है, ये सारा सॉल्व करके ये आएगा आपके पास 5.84 ठीक है, और क्लास की साइज है 5, आप इसका ये डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं, ये टोटल अप्रोक्सीमेटली आपके पास आंसर आ जाएगा 12.1 ठीक है। लेकिन हमारा टारगेट ये था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना भी आपको पता है क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई मीन इन 200, तो सब कुछ तो निकला हुआ ठीक है, सब कुछ तो इसमें निकला हुआ है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकला हुआ है, मीन भी निकला हुआ है ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आंसर आ गया, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन
अपॉन मीन इनटू 100 कितना है भाई स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.1 अपॉन मीन कितना है, मीन है 20.85 इनटू 100 कर लीजिए सिंपलीफाई इसको, सिंपलीफाई करने के बाद ये बन गया 58.03%। ये है हमारा आंसर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए एक और करते हैं। नेक्स्ट है फाइंड करना है आपने स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। वैसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, डेटा आपको क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है ठीक है क्लास के टर्म्स में, वैसे क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्लास इंटरवल्स क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24, 24 to 28, ठीक है 40 कर दिया हुआ, 28 to 32, 32 to 36 और 36 to 40। कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है इसके 11, 13, 16, 14, 14, 9, 17, 6, 4। ठीक है, क्या करें, मीन निकालना पड़ेगा ना। पहले टारगेट तो यही है, स्टैंडर्ड डेविएशन विदाउट मीन तो आप निकाल नहीं सकते। मीन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा, ये तो एफ आई दिया हुआ है। एक्स आई 8 + 4 = 12 अपॉन 2 कितना जाएगा 6, उसके बाद 4 का गैप है, 4 ऐड करते चलिए, 6 में 4 ऐड कर दे कितना है 10, 4 ऐड किया 14, 4 ऐड किया 18, 4 ऐड किया 22, 4 ऐड किया 26, 4 ऐड किया 30, ठीक है 4 ऐड किया 34, 4 ऐड किया 38। ठीक है, अब इसको एफ आई इंटू एक्स आई वाले से कर लेते हैं, है ना, आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, जैसे एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लेते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लेते हैं, एफ आई 11 into 6, 66, ठीक है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 130, वैसे ये सारी मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके मैं लिख देता हूँ, क्या जाएगा 224, अगला आ जाएगा 252, उससे नेक्स्ट आ जाएगा 308, उससे नेक्स्ट आ जाएगा 234, नेक्स्ट 510, उससे नेक्स्ट 204, उससे नेक्स्ट 152। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालने के लिए मीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो मुझे इसके सम की जरूरत पड़ेगी, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई की, कर लेते हैं सम इसका, इसका सम आ गया 2080, फिर मुझे समेशन ऑफ एफ आई की भी जरूरत पड़ेगी, तो समेशन ऑफ एफ आई निकाल लेते हैं, ये कितना आ गया 104। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई कितना है 2080। ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई कितना है 104, कर दीजिए डिवाइड इसको, कितना आ गया ये आगे डिवाइड हो गया 20, एक्स बार 20 आ गया, मीन 20 आ गया। ठीक है, क्या करना है अब, एक्स आई माइनस एक्स बार, उसके बाद एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये भी निकालना है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, याद आया फॉर्मूला, उसके बाद एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये भी निकालना है, ये तीन टेबल पूरे करने हैं, है ना, तीन कॉल। ठीक है, कर देते हैं कंप्लीट इसको, क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स बार ध्यान रखना है कितना है 20, 6 में से 20 माइनस करेंगे माइनस 14, 10 में से 20 माइनस करेंगे माइनस 10, 14 में से 20 माइनस करेंगे माइनस 6, 18 में से 20 माइनस करेंगे माइनस 2, 22 में से 20 माइनस करेंगे 2, 26 में से 20 माइनस करेंगे 6, 30 में से 20 माइनस करेंगे 10, 34 में से 20 माइनस करेंगे 14, 38 में से 20 माइनस करेंगे 18। इसके सम की जरूरत नहीं, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके आप लिख लीजिए, मैं स्क्वायर करके डायरेक्टली लिख देता हूं, ये 196, इसका तो 10 का 100, 36, 4, 4, ये भी 36, 100, 196 और 18 का स्क्वायर 324, इसका मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करना है एफ आई से, है ना, इसको इस वाले टेबल को अब इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, यानी 11 into 196, ठीक है, यह आ जाएगा 2156, उसके बाद 13 into 100, तो ये तो 1300 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 36 मल्टीप्लाई होगा किससे, 16 से, एफ आई इंटू, ठीक है, तो 36 तो ये आ जाएगा 576, 56, अगला इससे 56,
फिर 324, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 1700, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 1176, नेक्स्ट आ जाएगा 1296। ठीक है, इसके समेशन की जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो इसका समेशन निकाल लेते हैं 8640। ठीक है, मीन निकाल चुके हैं, हमारा टारगेट है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज। कितना है ये, ठीक है, ये टोटल कितना आया हुआ है 8640 अपॉन समेशन ऑफ एफ कितना है 104। कर लीजिए इसको सॉल्व, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर ही आ जाएगा 83.08 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 9.11। ठीक है, तो ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद निकालना है हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय इट्स मीन। कितना है स्टैंडर्ड डेविएशन 9.11, मीन कितना है, मीन है 20। ठीक है, इनटू 100 भी होता है, ये भी जानते हैं ना, इनटू 100। ठीक है, यहां भी आ जाएगा इनटू 100। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 5 आ गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ गया 45.55% कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से रिलेटेड किया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया हो। थैंक यू वेरी मच।